हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ परवल की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये जो परवल की सूखी सब्ज़ी की रेसिपी हम बनाएंगे ना, इसको हम बहुत ही कम मसालों के साथ बनाने वाले हैं, तो सब्ज़ी जो है बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर आधा किलो परवल ले लिए हैं, इसको मैंने धो लिया है। अब हम इसको छील लेंगे, तो इसको ऊपर से और नीचे से मैं काट लूँगी और फिर हम इसको छीलेंगे। तो यहाँ पर मैं परवल का छिलका ना पूरी तरह से नहीं हटाऊँगी, बीच बीच में से हटा लूँगी और थोड़ा सा छिलका हम इसको रहने देंगे। तो देखिए, जैसे मैं इसका छिलका निकाल रही हूँ, आपको भी बिल्कुल इसी तरह से परवल का छिलका हटाना है। अगर आप पूरा परवल का छिलका एकदम से हटा देंगे ना, तो परवल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर हम इसको काट लेंगे। तो देखिए, परवल के जो बीज हैं काफ़ी हार्ड हैं, तो इसको मैं हटा दूँगी और उसको ऐसे लंबाई में काट लूँगी। अगर आपके परवल के बीज सॉफ्ट हैं तो आप उसको रहने दे सकती हैं। तो इसी तरह से मैं सारे परवल छील लूँगी और उसको लंबाई में काट कर अलग रख लूँगी। तो यहाँ पर मैंने कटे हुए परवल ले लिए हैं, साथ ही दो प्याज को मैंने लंबे स्लाइसेस में काट लिया है, दो टमाटर हैं और दो ही हरी मिर्च हैं जिसको मैंने काट कर अलग रख लिया है। तो अब हम सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। सब्ज़ी मैं जो है सरसों के ऑयल में बना रही हूँ। कढ़ाई में तेल लेंगे और इसको गर्म होने देंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच मेथी और आधा चम्मच कलौंजी डाल दिए। तो इसको हम अच्छी तरह से भूनने देंगे। जब इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें परवल डाल देंगे और उसको फ्राई कर लेंगे। तो ये सब्ज़ी जो हम बनाएंगे बिल्कुल करेले के स्टाइल में बनाएंगे और इसको खाने में भी आपको बिल्कुल करेले वाला मज़ा आएगा। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसको कुछ देर तक ऐसे ही फ्राई करेंगे, जब तक कि परवल हल्के से सॉफ्ट ना हो जाए, उनका कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए। हम इसको इसी तरह चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, परवल का कलर काफ़ी चेंज हो गया है। अब हम इसमें कटी हुई प्याज डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो प्याज को भी हमें हल्का सा सॉफ्ट होने तक इसी तरह चलाते हुए फ्राई कर लेना है। तो देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और प्याज जो है अच्छी तरह से परवल के साथ मिक्स हो गई है। अब हम इसमें जो हरी मिर्च हमने काट कर रखी थी वो डाल देंगे, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको कुछ देर और फ्राई होने देंगे, जब तक कि प्याज जो है और सॉफ्ट ना हो जाए। तो इसको इसी तरह चलाते हुए मिक्स कर लें। इस सब्ज़ी में हम बहुत ही कम मसालों का यूज़ करेंगे, फिर भी ये सब्ज़ी जो है खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी। तो देखिए, इसको कुछ देर मैंने और कुक कर लिया है। इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर डाल दें और साथ ही टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो इसको इसी तरह से मिक्स करके कुछ देर और कुक कर लें। इसमें हम बस इन्हीं मसालों का यूज़ करेंगे, तो और ज़्यादा मसाले हम इसमें नहीं डालेंगे। तो ये सारे मसाले डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब मैं इसमें थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालूंगी ताकि इसमें एक अच्छा सा खट्टा सा टेस्ट आए। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर कुक करेंगे और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो करीब मैं आधा ग्लास इसमें पानी डाल दूंगी और इसको मिक्स करने के बाद ढककर ऐसे ही लो फ्लेम पर छोड़ देंगे, जिससे कि परवल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो बीच बीच में हम इसको चेक करते रहेंगे, मतलब ढक्कन हटाकर चेक कर लेंगे, चलाकर देख लेंगे और देखेंगे कि अगर परवल सॉफ्ट हो गए हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको ढककर थोड़ी देर के लिए और कुक होने देंगे। तो ऐसे हम बीच बीच में इसको दो तीन बार चेक करेंगे और इसको पानी के सूखने और परवल के अच्छी तरह गलने तक कुक करेंगे। तो देखिए, मैंने इसको दो तीन बार अच्छी तरह से चलाकर ढककर कुक कर लिया है और इस टाइम पर हमारे परवल की जो पानी है वो भी अच्छी तरह से सूख गया है और साथ ही परवल भी बिल्कुल गल चुके हैं। तो सब्ज़ी हमारी बन चुकी है, गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसको सर्व कर लेंगे। तो ये सब्ज़ी बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाती है, साथ ही बहुत कम मसालों के साथ बनती है, तो टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होती है। इसको आप लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं और घर पर भी आप इसको रोटी पराठे या नान जिसके के भी साथ चाहें आप इसको इंजॉय कर सकती हैं। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।